देश दुनिया की हर वड्डी खबर लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। दैनिक सवेरा दे न्यूज़ रूम तो मैं रचना ते खेती कानूनां नूं रद्द करवाउण दी मंग नूं लैके किसान लगातार संघर्ष कर रहे ने। उन्हां दा संघर्ष अज 18वें दिन च प्रवेश कर गया ते उन्हां दा कहना है कि जदों तक इन्हां कानूनां नूं रद्द नहीं कीता जांदा उदों तक वो दिल्ली तो वापस नहीं परतणगे। और इस वास्ते पंजाब तो कांग्रेस के एमपीज दिल्ली के जंतर मंतर के बाहर धरने पर बैठे हुए ने ते अज इन्हां दी हिमायत वास्ते केरला तो कांग्रेसी एमपी शशि थरूर भी उत्थे पहुंचे ते गलबात दौरान उन्हां दा कहना सी कि वो जल्दी तो जल्दी केंद्र सरकार दे नाल गल करनगे ते विंटर सैशन बुलाने लई कहणगे। और इस बारे उन्होंने कहा कि वो मोदी सरकार नूं अपील करदे ने कि वो संसद दा विंटर सैशन बुला के किसानां दीआं मंगां ते चर्चा करे ते जल्दी तो जल्दी किसानां दा हल कीता जावे। जी बिल्कुल, मेरे दोनों साइड पर देखे एमपी लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ काम करते हैं पार्लियामेंट में, तो मैं बिल्कुल उनको समर्थन करने के लिए आया हूँ। और हम चाहते हैं, मतलब सारे कांग्रेस एमपी चाहते हैं, दो बड़ी ज़रूरी चीज़ें। एक है कि एक किसानों के साथ बात करनी है सरकार को। सरकार तो अब तक उनको वहाँ छोड़ के कह रहे हैं कि वो जो नियम इतने जल्दी बिल्कुल बातचीत बिना करके उसने पास कर दिए उसको बदल नहीं सकेंगे, ये कैसे हो सकता। तो इसलिए किसान जब आए हैं वहाँ उनसे मिल लीजिए, उनसे बात कीजिए, उनकी कठिनाइयाँ समझ लीजिए और ये नियम को बदल लीजिए। ये तो पहली बात यह है। दूसरी बात, हमारे एमपीज़ कह रहे हैं कि आपके पास एक पार्लियामेंट है, एक संसद है, आप इसमें क्यों नहीं चर्चा करना चाहते हैं। आपको मालूम है इस वक्त अगर हर साल की बात देखिए तो इस वक्त एक पार्लियामेंट सेशन होना चाहिए, विंटर सेशन, तो इस वक्त चर्चा करने के लिए मौका होता। जब हमारे देश में इतनी बड़ी कठिनाई हो रही, हमारे देश की राजनीति देश की राजधानी में अभी ये धरना चल रहा है, तो इस हालत में राजनीति करने के अलावा पार्लियामेंट को बुलाइए और सारे जनता की प्रतिनिधियों को सुनने दीजिए। आप अगर ये लोग तो वोट मांग के आए हैं ना, उनको तो जनता के नाम पे बोलने का हक है, उनको सुनना चाहिए। तो ये भी हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट की विंटर सेशन हो जाए, इस विषय के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, ये सब बेइज्जती की बात है। ये सरकार अब तक नहीं समझा कि लोकतंत्र में आप लोगों से बात करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए। सिर्फ गाली देने से देश नहीं चलती। आप जानते हैं कि ये लोग देशभक्त हैं, देश के खाना वो लोग ही पालते हैं, मतलब उनके खेती से हम सब लोग खा के जीते हैं दिल्ली में। तो जब वो लोग आके कहते हैं, और अभी जसबीर बता रहा था मुझे कि एक बूढ़ी दादी है, मतलब जिनके अनफॉर्चुनेटली उनके जो जवान बेटे के बेटे गलवान में उनका देहांत हो गया था, तो जब लोग अपनी ज़िंदगी देने के लिए तैयार है इस देश के लिए, उनको ऐसे बुरे नाम देना, उनको ये गाली दे के खालिस्तानी और सामाजिक विरोधी ये सब बोलना बहुत बहुत बुरी बात है। मेरे ख्याल में ये सरकार ऐसे बोलने से हमारे लोकतंत्र को बिल्कुल अपमान कर रहा है, ऐसे नहीं करनी चाहिए, ये बेइज्जती को बंद करो। दिल्ली तो नितिन तिमान की रिपोर्ट। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन्हां चोरा ठगा तो सावधान, स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान, फ्री फ्री फ्री। मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374 94647 84374 94648।